दोस्तों सलाम मसनून। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। मुझे याद आता है हमारे सियासी लीडरों की बातों को सुनकर, वो वक्त पर कोई काम नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, सब कुछ हो जाने के बाद वो मैदान में आते हैं और ज़रूरी बातें कहते हैं, मगर वक्त गुजर चुका होता है। यही अफसोस की बात है। अब आइए देखेंगे कांग्रेस के दो लीडरान क्या कहते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के फैलने के तनाजर में मगरबी बंगाल असम्बली इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के लिए होने वाली अपनी तमाम रैलियों को मनसूख कर दिया है। राहुल गांधी ने इतवार के रोज़ ये इत्तला देते हुए ट्वीट किया कि कोविड-19 के बहरान के पेश नज़र मैंने मगरबी बंगाल में होने वाली अपनी तमाम रैलियां मनसूख करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने दीगर सियासी पार्टियों के लीडरों को भी ये मशवरा दिया कि वो भी आलमी वबा को फैलने से रोकने के लिए इंतखाबी रैली का इनेकाद न करें। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए कि इन इंतखाबी रैलियों से इस वक्त आवाम और मुल्क को कितना बड़ा ख़तरा लाहक है। अजीब गरीब बात। बात तो ठीक है, मगर पहले ही ये कदम उठाना चाहिए था। ऐसा कुछ हुआ नहीं। मगरबी बंगाल में 8 फेसेस के इंतखाबात हैं, उसमें तमाम सियासी लीडर्स शिरकत करते रहे, यहाँ तक कि हमारे देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी भी दिल्ली से भाग भाग कर आए, अमित शाह भी भाग भाग कर आए और सियासत करने लगे, रैलियाँ निकालने लगे, बातें होती रहीं, लोगों से मिलते रहे, और लोगों में ना मास्क रहा ना सामाजिक दूरी रही। उनकी नज़रों के सामने सब कुछ होता रहा, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो आते जाते रहे क्योंकि उन्हें सियासत ही सब कुछ होती है। अब क्या कहना चाहिए, देर आयत अगर दुरुस्त आयत कहना चाहिए या नहीं, इस पर ही मैं अब आपसे मुखातिब होते वक्त सोच रहा हूँ। सदर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसके सिलसिले में मैं कहता हूँ। और कांग्रेस की एक और लीडर कपिल सिब्बल, वो क्या कहते हैं आइए देखेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के दरमियान इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नेशनल हेल्थ एमरजेंसी का ऐलान करने की अपील की। साबिक मरकजी वज़ीर ने कोविड-19 के तेज़ी से बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इलेक्शन कमीशन से अपील की कि वो इंतखाबी रैलियों पर रोक लगाए। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि लोगों के सेहतमंद होने के मुकाबले कोविड-19 इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, मोदी जी नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कीजिए। उन्होंने मोदी जी से मुखातिब करते हुए कहा है इलेक्शन कमीशन इंतखाबी रैलियों पर रोक लगाने का ऐलान करें, ये भी कहा है। अदालत से कहा है लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करें। बातें ठीक हैं मगर वक्त पर नहीं हुई हैं, वक्त बहुत गुज़र चुका है। आज जो हालत है वो सब जानते हैं। अगर ये सियासी लीडर, सिर्फ मैं कांग्रेस लीडरों की बात नहीं करता हूँ, तमाम लीडरों की बात करता हूँ, वक्त पर काम करते हैं तो ये वबा इस तरह नहीं फैलती। हाँ, जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, यहाँ एक ही दिन
एक ही फेस में इलेक्शन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ ज़्यादा रैलियाँ नहीं हुई, ज़्यादा झंझट नहीं मिला। और इंशाल्लाह इंतखाबात का नतीजा भी एक ही दिन निकलने वाला है। तब तक यहाँ के हालात भी एक हद तक बेहतर हो सकते हैं, और नई हुकूमत उम्मीद की जाती है कि डीएमके की बनेगी, वो भी इस वबा को रोकने के लिए जो करना चाहिए वो करेगी इंशाल्लाह, यही उम्मीद की जाती है। मगर ये इलेक्शन के सिलसिले में मग़रिबी बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत ही तश्वीशनाक है, अफसोस की बात है। राहुल जी वहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है, मगर दूसरे लीडरों लीडर क्या करने वाले हैं ये देखने की बात है। पहले ही यह कदम उठाना चाहिए था, बहुत देर हो गई, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।